हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल लाइट हाउस। जी हाँ, गूगल का लाइट हाउस एक टूल्स है जो क्रोम में यूज होता है और वो आपको बताता है कि किस तरह से गूगल आपकी वेबसाइट को एनालाइज करता है, रीड करता है और किस तरह से आपकी वेबसाइट को गूगल देखता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। मैं सैयद रमीज, ब्लॉगर एंड डिजिटल मार्केटिंग कोच। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा गूगल का लाइट हाउस। दोस्तों, सबसे पहले आप ब्राउजर ऑन कर लीजिए। इसमें आप टाइप करिए गूगल लाइट हाउस एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन जो है वो आपका गूगल क्रोम ब्राउजर में सपोर्ट करता है। यहां से जैसे ही आप क्रोम का एक्सटेंशन यूज करेंगे, ये आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का ऑप्शन देगा। यहां पर मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है और जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, यहां पर ये गूगल का लाइट हाउस का आइकॉन्स आपके ब्राउजर में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये टूल जो है क्या करता है, ये आपकी वेबसाइट को रीड करता है और आपको गाइडलाइंस देता है, आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट में कहां कितना इंप्रूवमेंट करना है, कैसे करना है, वो आपको करना रहता है। बट ये एक हिंट्स दे देता है कि वेबसाइट आपका गूगल के थ्रू कैसा दिख रहा है। अब हम ये देखेंगे कि इस टूल को हम कैसे यूज करते हैं और कैसे इसको इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक वेबसाइट अभी रिसेंटली लॉन्च किया है जो है tutorialebooks.com के नाम से, और इस पर कुछ भी SEO नहीं किया है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश करने के बाद आपको जो करना है, इस वेबसाइट को ऑन करने के बाद गूगल लाइट हाउस के एक्सटेंशन पे क्लिक। जैसे ही आप एक्सटेंशन क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ये पॉपअप विंडो आ जाएगा इनका, और यहाँ से करना है आपको जनरेट रिपोर्ट। यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट होने के बाद आपको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट ये सजेशंस बताएगा कि किस तरह से आपकी वेबसाइट गूगल रीड कर रहा है, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर सही है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसने चार रिपोर्ट दी है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एक्सेसिबिलिटी रिपोर्ट, बेस्ट प्रैक्टिस रिपोर्ट और SEO रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट को हम समझेंगे वीडियो के थ्रू कि क्या सिस्टम रहता है और कहां से हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले दिया है परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो कि 93 दिखा रहा है उसका मार्क रैंकिंग। यहां पर मुझे लगता है कि जो स्पीड इंडेक्स है इसको इम्प्रूव करने का सजेशन इन्होंने दिया है, जिसका कलर डिफरेंस है। इसमें भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको इम्प्रूव करेंगे। सो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत रिपोर्ट को देख लेते हैं, फिर जो इम्प्रूवमेंट है वो हम इस पर रिपीट करते हैं और उस इम्प्रूवमेंट के बाद हम अगेन एक टेस्ट करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आ रहा है। सो सबसे पहला जो हमारा है ऑप्शन है एलिमेंट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्स। कुछ हमारे रिसोर्सेज हैं जो ब्लॉक हो रहे हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हमारा जो है रिड्यूस सर्वर रिस्पॉन्स टाइम जो है 0.26 सेकंड मिला है, जो इनको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है और इसको भी हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। एंड डायग्नोज में इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में ये दिया है कि एग्जैक्ट टेक्स्ट रिमेन विजिबल ड्यूरिंग द वेब फॉन्ट लोड। सो हमारा जब वेब फॉन्ट लोड होता है तो बाकी चीज़ें वेबसाइट के डिसअपियर हो जाती हैं। नेक्स्ट दिया है इन्होंने एक्सेसिबिलिटी को 91, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। बैकग्राउंड एंड फ्यूचर फोरग्राउंड कलर, ये हमारा मिसमैच हो रहा है यहाँ पर, ये भी आपको सजेशन बता रहा है कि ये कंटिन्यू रीडिंग के ऊपर, जो कि ये हमारे बटन्स हैं, ये बैकग्राउंड कलर एंड फोरग्राउंड कलर वो गूगल को अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको भी हम चेक करेंगे किस तरह से हम इंक्रीज कर सकें। उसके बाद इन्होंने दिया है बेस्ट प्रैक्टिस में डू नॉट यूज HTTPS इन 6 इनसिक्योर रिक्वेस्ट फाउंड। सो हमारी वेबसाइट पर अभी SSL सर्टिफिकेट इम्प्लीमेंट नहीं किया है, सो इस वजह से यहाँ पर भी ये एरर दे रहा है। एरर नहीं है, ये सजेशंस है। और जो SEO का है वो SEO का स्कोर 92 दिया है। डॉक्यूमेंट डज नॉट हैव ए मेटा डिस्क्रिप्शन, तो अभी तक हमने इस पर मेटा डिस्क्रिप्शन या टाइटल वगैरह भी नहीं डाला है। सो ये उसके चार रिपोर्ट्स हैं जो कि यहाँ पर शॉर्ट में दिया है, परफॉर्मेंस, एक्सेबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिस एंड SEO। सो सबसे पहले इसको इम्प्रूव करने के लिए मुझे जाना रहेगा इसके वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में, इसी साइट के। सो हम जाते हैं वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में और कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है सी पैनल के अंदर लॉगिन।
कुछ चेंजेस मुझे यहाँ पर htaccess फाइल में भी करना है जो मैं सी पैनल के थ्रू करूँगा। सो यहाँ पर मेरा htaccess फाइल का कोड भी मुझे मिल गया है। सो हमारा जो सबसे पहले ऑप्शन है जिसको हम इम्प्रूव करेंगे वो है रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्स। सो ये मैंने ऑलरेडी एक ऑटो ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन डाला हुआ है, इसके थ्रू हम करते हैं रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज को कम। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा सिलेक्ट है, इसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ये इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहिए तो वो देख सकते हैं। हमें यहाँ पर आना है एक्स्ट्रा में। तो हमें यहाँ पर जो चेंजेस करना है ये हमारा जो ऑप्शन है गूगल फॉन्ट का, जो हमें यहाँ पर एरर दिखा रहा है कि काफ़ी स्लो हो रहा है, रेंडर ब्लॉकिंग्स ऑप्शन आ रहा है जिसकी वजह से ये स्लो हो रहा है। एंड थर्ड ये जो है HTTP HTTPS का, एंड यहाँ पर भी सेम एरर है कि ये जो हमारा दो फॉन्ट है वो रेंडर ब्लॉकिंग में जा रहा है जेक्यूरी की वजह से। सो यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर जो सिलेक्ट है कंबाइन एंड लिंक इन हेड, सो इसको मुझे चेंज करना रहेगा। मैं यहाँ से चेक करता हूँ कंबाइन एंड प्रीलोड इन हेड, फॉन्ट लोड लेट बट आर नॉट रेंडर ब्लॉकिंग इंक्लूड द सेव। सो ये ऑप्शन यहाँ पर सेट हो जाएगा और यहाँ पर मुझे कर देना है इसको सेव चेंजेस। सेव चेंजेस होने के बाद जो यहाँ पर कैच मेमोरी बनती है उस कैच मेमोरी को हमें डिलीट कर देंगे, और उस डिलीट करने के बाद हम यहाँ इस पेज को एक रिफ्रेश कर लेते हैं कंट्रोल F5 से। एंड कंट्रोल F5 से रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे वापस से कि ये गूगल हमें क्या रिपोर्ट जनरेट करके देता है। तो क्लिक कर दीजिए जनरेट रिपोर्ट। यहाँ पर मैंने तीन चीज़ें सेट की हुई है, एक तो HTTP से HTTPX HTXS कोड मैंने डाला हुआ है, दूसरा मैंने जो रेंडर ब्लॉकिंग का ऑप्शन था वो मैंने चेंज किया है। यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिला है ये तीन चीज़ें करने के बाद हमारा परफॉर्मेंस स्कोर जो पहले 93 था वो 91 हो गया, बट एक्सेसिबिलिटी स्कोर एंड बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो 92 हो चुका है जो पहले 85 था, और जो SEO का स्कोर है वो 100% अचीव किया है। ये परफॉर्मेंस एक्सेसिबिलिटी एंड बेस्ट प्रैक्टिस जो है ये दो चीज़ें, फर्स्ट जो दो ऑप्शन है ये सर्वर से रिलेटेड हैं, एंड बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो है हमारा वेबसाइट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सो यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाता हूँ जो मेरा ओल्ड स्कोर था जो कि परफॉर्मेंस 93 था, ये सर्वर का स्कोर है। एक्सेसिबिलिटी जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी सर्वर से लेकर मेरे ब्राउजर तक का स्कोर है, एंड बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कलर कॉम्बिनेशन उसका है, एंड SEO डेफिनेटली ये ऑन पेज का है। सो यहाँ पर जो मेरा एग्जिस्टिंग स्कोर था वो ये है, एंड जो अभी इम्प्रूव हुआ है वो परफॉर्मेंस 2% डाउन हुआ है 2 पॉइंट, एंड एक्सेसिबिलिटी सेम है, एंड बेस्ट प्रैक्टिस जो मेरा स्ट्रक्चर है वेबसाइट का वो मैंने उसको सुधारा, जो कि HTTP से HTTPS में लेकर जाना था वो वेबसाइट के अंदर आ जाता है, और जो SEO का स्कोर था वो 100% अचीव किया है। तो दोस्तों गूगल का फ्लाइट हाउस जो है वो आपको हेल्प करता है बताने के लिए कि कहाँ पर अभी भी और इम्प्रूवमेंट बाकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि TTFB जो है टाइम टू फर्स्ट बाइट वो 0.45 सेकेंड्स है, जो कि सर्वर का कम्युनिकेशन होता है मेरे लोकल PC से, यूज़र्स के PC से लेकर सर्वर तक का। तो यहाँ पर अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हो सकता है 100%। और एक्सेसिबिलिटी जो है फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर ये मैंने दिखाया, ये इसको मुझे काफ़ी टाइम लगेगा करने के लिए, तो इसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड बेस्ट प्रैक्टिस में जावा स्क्रिप्ट का अभी भी ये इंडिकेशन दे रहा है, एंड SEO जो है वो मेरा 100% इस वेबसाइट पर SEO हो चुका है। सो डेफिनेटली ये वेबसाइट को अभी मैं नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आगे आने वाले टाइम में SEO के थ्रू बाकी जो ऑफ पेज एक्टिविटी है या अदर एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू इसको ग्रो करेंगे। आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को, इस वेबसाइट को, ये ट्यूटोरियल वेबसाइट है इस पर भी आप विजिट करते रहिए। इस पर हम अभी बेसिक इस ट्यूटोरियल से स्टार्ट किया है हमने इस पर डालना, और आगे आने वाले टाइम पर इस पर और भी ट्यूटोरियल्स ऐड करते जाएंगे। तो दोस्तों कैसे लगा ये वीडियो नीचे कमेंट्स में मुझे अपना एडवाइस देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।